नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंब्रा में कब्रिस्तान का मुद्दा कई सालों से लटका हुआ है। कब्रिस्तान की बात की जाती है तो कब्रिस्तान के मुद्दे पर हमेशा अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, क्योंकि हमेशा यहां के जो है आमदार कहते हैं कि जो है कब्रिस्तान अगस्त महीने में दिया जाएगा या अगले महीने में दिया जाएगा। उन्होंने एक बार फेसबुक लाइव भी आकर कहा था कि जो है हम कब्रिस्तान को जो है अगले महीने में देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भरने का काम चालू है। ऐसे तमाम जो है बताया जाता है कि कब्रिस्तान अब मिल जाएगा, लेकिन कब्रिस्तान मुंब्रा वासियों को मिलता नहीं दिख रहा है, जिसके लिए MIM के जो यूथ प्रेसिडेंट हैं सैफ पठान, उन्होंने एक मुंब्रा स्टेशन पर जो है सिग्नेचर कैंपेन जो है लगाया है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर पूरा मसला है क्या। सैफ भाई, आज कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर आप जो है यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन किए हुए हैं। देखिए, कब्रिस्तान सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं, हमारा हक है। जिस तरीके से आज हम लोगों को कब्रिस्तान, शमशान भूमि और क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड, हम लोगों को 2013 में जहां आरक्षण मिला था, आज वहां ना देते हुए हमको 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर लेके जाया जा रहा है। तो यहां से देखा जाएगा, आप जहां खड़े हैं, हम लोग आज हमारे मुंब्रा, ओल्ड मुंब्रा के लिए तो वो 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो उसके खिलाफ आज हम लोगों ने सिग्नेचर अभियान करा है। बहुत ही जल्द इसके रिलेटेड हम लोग कमिश्नर से मुलाकात करेंगे सिग्नेचर्स के साथ। इंशाल्लाह ताला हमारा मिशन है कि 1 लाख सिग्नेचर लेकर के हम कमिश्नर से मिले, फिर CM से मिले, आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ। अगर वहाँ से भी हल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कोर्ट से हमारी लड़ाई लड़ेंगे। आप जो आज ये सिग्नेचर करा रहे हैं, ये सिग्नेचर आप कराने के बाद किसको सबमिट करेंगे? ये सिग्नेचर कराने के बाद जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी जो भी लीगल दरवाजे हो गए, जैसे कमिश्नर्स हो गया, CM हो गया, हम सब तरफ जाएंगे। हमारे वारिस पठान साहब भी इसकी आवाज़ उठाए हुए, उनसे मदद मांगेंगे, वो हमको जो चैनल बताएंगे हम वहाँ जाएंगे। आप किस कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं? यहाँ पर कई कब्रिस्तान बताया जा रहा है, मुंबई में बताया जा रहा है और दूसरे जगह बताया जा रहा है। तो आप जो रिजर्वेशन कब्रिस्तान आपको दिया गया था, आप उस कब्रिस्तान की बात, उस कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं? हमको खुशी है, यहाँ शहर में देखिए कौसा के लिए और 4 कब्रिस्तान मिले, हमको उसके लिए खुशी है। लेकिन जो ओल्ड मुंब्रा का जो कब्रिस्तान जो पास हुआ था, हमको वहाँ कब्रिस्तान चाहिए, ये हमारी लड़ाई वो है। देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ सिग्नेचर अभियान छेड़ा है, यहाँ पर हम लोग 3 दिन है। अब ज़्यादा से मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के जो इस तरीके का घोटाला हो रहा है, जो बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए आज कब्रिस्तान यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, उसकी लड़ाई में हमारा साथ दे और आकर सिग्नेचर करिए। देखिए, मेरे सारे सीनियर्स लोग खड़े हैं यहाँ पर, सब यहाँ के लोकल्स हैं और आज आप जनता से पूछ लीजिए, आज सब नाराज़ है इसके खिलाफ। आप सुबह से यहाँ पर सिग्नेचर करा रहे हैं, अब तक आपके हिसाब से कितने लोगों ने जो है आपका समर्थन किया सिग्नेचर को लेकर? भाई, गिनती तो हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन अंदाजन मैं बता रहा हूँ कि हज़ारों में साइन हो चुकी है अभी। तो हम लोगों को आए हुए सिर्फ 1 से 1.5 घंटा हुआ है, लोग बढ़ चढ़ कर, आप देख रहे हो कि हमारी बूढ़ी माँ बहनें या जो भी बोलो, आप सीनियर्स बोलो, सब बढ़ चढ़ करके साइन दे रहे, सब कब्रिस्तान घोटाले से परेशान है, उसके खिलाफ हर कोई साइन दे रहा है। हम लोग तो यही चाहेंगे कब्रिस्तान जितना जल्द, जितना नज़दीक से नज़दीक हो मिले, उसके लिए कैसा गाय गरीबों के लिए कंधे पे ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऑलरेडी हम लोग को जो अमृत नगर का कब्रिस्तान है दरगाह का, वही किसी गरीब के लिए अगर बारिश पानी का टाइम हुआ तो उसको एम्बुलेंस वो बेचारे लोग को करने का बंदोबस्त नहीं रहता, उनके पास कोई सुविधा नहीं रहती, उनको ले जाने के लिए इतनी तकलीफ होती है जिसका हिसाब नहीं। अब ये ऑलरेडी जो हमको इससे भी नज़दीक मिला था अपना मित्तल कंपाउंड में, तो उसको जो नज़दीक मिला था एक कम से कम आधा 1 किलोमीटर और करीब हो गया था, उसको उठा के और 3 किलोमीटर दूर कर दिए, तो वो क्या मायने है उसका, क्या फ़ायदा है गरीबों को उससे? गरीबों को सिर्फ पराए परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। गरीब तबका जो है, गरीब है, अगर वो बारिश पानी में जनाजा ले जाता तो उसको इतनी तकलीफ होती है जिसका हिसाब ने। गर्मी के अंदर, गर्मी की वजह से लोग ने कंधा दे पाते हैं, लोग आधे रास्ते में छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। तो कम से कम खिलवाड़ करो तो कहीं अच्छी जगह करो, कम से कम आखिरत के रास्ते पे तो मत करो। आखिरत का रास्ता सबके लिए भाई, ये हमारे को हर किसी को, जो मुसलमान है उनको जाना ही है कब्रिस्तान में, और जो बेचारे हिंदू भाई है उनको जन्मभूमि में जाने वाले। मुंब्रा में एक कब्रिस्तान था जो आज फुल हो चुका है कब्रिस्तान। तो जो MIM वालों ने जो ये मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है, मगर ये इन्हीं का है मसला नहीं है, ये हम सब मुसलमानों का मसला है। इसमें हम सब मुसलमानों को आगे आना चाहिए। जो हमको रिजर्वेशन में जो प्लॉट दिया है शमशान नगर के पीछे, तो कब्रिस्तान वही होना चाहिए, उसको उठा के MML में डालना समझ के बाहर है। आज मुंब्रा वालों को, रेती बंदर वालों को ये कब्रिस्तान यहाँ से यहाँ पर राहत मिलेगी, क्योंकि उनको नज़दीक होगा। कुछ तो ऐसे हैं जो बेचारे गरीब गुरबा
उनके लिए दफन के लिए पैसा नहीं रहता है, तो बेचारे कहाँ से ट्रांसपोर्टिंग में इतना लेके जाएंगे वो। तो रेती बंदर वाले हैं, उनको भी नज़दीक पड़ेगा वो, और जहाँ पर गवर्नमेंट ने हमको दिया है रिजर्वेशन में वहीं दिया जाए तो बेहतर है। हम और हमारे भाई लोग सब परेशान है कि कब्रिस्तान हमको हमारी नज़दीक मिले, 3-3 किलोमीटर दूर अगर यहाँ से कब्रिस्तान के लिए उठा के लेके जाएंगे तो हमारे जो भाई लोग है वो कंधा देते हुए परेशान होंगे। हमारे फारूक भाई ने यही बोला है, लोग आधे रास्ते में कंधा हटा करके छोड़ के चले जाते हैं, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, और आवाम इतनी बढ़ चुकी है, जगह इतनी ज़्यादा है, अभी दरगाह का कब्रिस्तान, कौसा का कब्रिस्तान सब छोटा पड़ता है, लोग खोदते हैं तो उसके अंदर जनाजे निकलते हैं, इसीलिए हमको जो नया कब्रिस्तान मिला वो इतना दूर मिला है जिसका कोई हिसाब ही नहीं, हम 3 किलोमीटर तक कैसा उठा के लेके जाएंगे। और अगर नज़दीक मिला था वो उन्होंने कुछ कर दिया जिसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उमरा के रहने वाले अब 40 साल हो गए, कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर बहुत दिनों से गोल मटोल किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? सियासी सब चाहिए है, वन साइड मेजोरिटी है इसके लिए कर रहे हैं, अगर मिक्स मेजोरिटी रहे तो काम फटाक से हो जाता था। बस यहाँ पर सिग्नेचर कर रहे, कम से कम हज़ारों की तादाद में सिग्नेचर हो गया अभी, और हम पे प्रेशर भी आना शुरू हो गया है प्रशासन की तरफ से कि सिग्नेचर कैंपेनिंग बंद कर दी जाए। आप देख सकते हो कि किस तरीके कौन बंद करा रहा है आपकी सिग्नेचर कैंपेन को? बंद करने के लिए ताल्लुक से नहीं, अभी तो मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आ रहा है कि आकर के मिलिए, बस हुआ सिग्नेचर कैंपेनिंग, अभी वहाँ जाकर के पता चलेगा कि क्यों बंद करने के लिए बोला जा रहा है। कल आपने परमिशन ली थी? परमिशन मैंने लेटर दे दी थी, हम लोगों की सीनियर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था लेटर सबमिट कर दीजिए, हम लोगों ने लेटर सबमिट कर दिया था। सबमिट करने के बाद आपको जो है कहा गया था कि आप सिग्नेचर कैंपेन लगा? तो सबमिट उन्होंने सिर्फ सबमिट करने का था, जब मैंने कहा था पर बोले परमिशन का लेटर दे दीजिए, बोले बस सबमिट। तो आज आपके आपको किसी ने फ़ोन किया है या कोई और अधिकारी आया जो रोक रहा है? अभी फिलहाल देखिए इस पे सिग्नेचर कैंपेनिंग चल रहा है, उसके ताल्लुक से मैं आपको बताता हूँ बाद में, पहले ये तो हो जाए, देखते क्या है क्या नहीं। तो आप लोगों ने सुना कि जो साहब पठान ने बताया कि कब्रिस्तान जो है पहले हमें जहां पर दिया गया था जो रिजर्वेशन कब्रिस्तान है, हमें कब्रिस्तान उसी जगह पर चाहिए, हमें कहीं दूर कब्रिस्तान नहीं चाहिए। उनका कहना है कि जो है कब्रिस्तान जो हमें दिया गया है वो यहां से काफ़ी दूर है, जो हमें आने जाने में डेड बॉडी को ले जाने में हमें काफ़ी तकलीफ़ होगी, इसलिए जो उनकी कब्रिस्तान की मांग है, उनका कहना है कि जो कब्रिस्तान हमें रिजर्वेशन दिया गया था वही हमें कब्रिस्तान चाहिए। और जब से ये कैंपेन चालू हुआ है सिग्नेचर का, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है लगातार लोग जो है कब्रिस्तान को लेकर मुमरा वासी सिग्नेचर जो है यहाँ पर कर रहे हैं, और लोग यहाँ पर जो है MIM के जो है तमाम जो है कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे सिग्नेचर करने को कह रहे हैं। और ये एक कब्रिस्तान घोटाला के नाम से भी यहाँ पर MIM पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो साफ तौर पर लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं इसलिए कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर। उनका कहना है कि जो कब्रिस्तान का घोटाला है, क्या मुमरावासी उनके साथ में है, उनका साथ दे रहे हैं कि नहीं, इसी को देखते हुए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सिग्नेचर कर रहे हैं MIM पार्टी की तरफ से। अब तक जो है यहाँ पर कई लोगों ने सिग्नेचर किया, अपना विरोध जो है जाहिर किया है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स।